इकरिस इटर्नल्स की टीम का मोस्ट पावरफुल और स्ट्रांग सुपर हीरो है, जिसके पास कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करने की वजह से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, फ्लाइट और हीट विजन जैसी पावर्स है। और इन पावर्स के साथ इकरिस इटर्नल्स की टीम के मोस्ट पावरफुल हीरोज को ओवरपावर कर चुका है। तो चलिए जानते हैं कि क्या इकरिस अपने इन पावर्स के साथ अवेंजर्स को डिफीट कर सकता है या नहीं। यहाँ पर हम ओरिजिनल 6 अवेंजर्स की बात करेंगे, जिनमें शामिल है हॉकआई, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, हल्क, आयरन मैन और थॉर, वो भी उनकी मूवीज में दिखाई गई मोस्ट पावरफुल फॉर्म के साथ। और यह फाइट बिना किसी प्रिपरेशन टाइम के होगी। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल फाइट की, जिसमें अवेंजर्स की टीम के ये हीरोज एक एक करके इकरिस से फाइट करते हैं, और उसके बाद हम इकरिस वर्सेज अवेंजर्स की फुल टीम के फाइट का शोडाउन करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें हॉकआई और ब्लैक विडो की, तो ये दोनों नॉर्मल ह्यूमंस हैं जिनके पास कोई भी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज नहीं है। ब्लैक विडो एक स्पाई है और अपनी ट्रेनिंग से हैंड टू हैंड फाइट में एक्सपर्ट है, नाइफ, गन्स और भी कई तरह के लीथल वेपन्स को यूज करने में मास्टर है। तो वही हॉकआई बो एंड एरोज का यूज करता है और वो हैंड टू हैंड फाइट में ट्रेंड है। कोई भी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज नहीं होने की वजह से इकरिस इन दोनों को आसानी से एक फाइट में डिफीट कर सकता है। इनके बाद अगर हम बात करें सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका की, तो सुपर सोल्जर सीरम की वजह से कैप्टन अमेरिका के पास इनहांस स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और हीलिंग फैक्टर जैसी पावर्स है। और कैप्टन अमेरिका एक सोल्जर है और कई विलन्स एंड सुपर विलन्स के साथ फाइट कर चुके हैं, तो इसकी वजह से उनका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। हैंड टू हैंड फाइट में मास्टर है, स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स बनाने में एक्सपर्ट है। कैप्टन अमेरिका के पास वाइब्रेनियम शील्ड है जो कि उनका मेन वेपन है, और कैप्टन अमेरिका की विल पावर भी बहुत लाजवाब है। इकरिस के द्वारा किए गए अटैक को कैप्टन अमेरिका आसानी से अपनी वाइब्रेनियम शील्ड की मदद से काउंटर कर सकते हैं, और हैंड टू हैंड फाइट में एक्सपर्टनेस की वजह से इकरिस को क्लोज कॉम्बैट में अच्छी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन इकरिस एक सुपर ह्यूमन है जो कि हवा में उड़ सकता है और आंखों से लेजर प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से वो दूर से ही कैप्टन अमेरिका पर अटैक्स कर सकता है। अब कैप्टन अमेरिका के नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड के चलते वो हार तो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर एक डेथ बैटल हो रही है तो वहां पर इकरिस अपनी पावर्स का यूज करके कैप्टन अमेरिका को मारकर इस फाइट को एंड कर सकता है। अब अगर बात करें टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन की, तो आयरन मैन के पास हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस आर्मर है, जिससे आयरन मैन हवा में उड़ सकता है, हाथों से रिपल्सर ब्लास्ट और चेस्ट से यूनिबीम ब्लास्ट कर सकता है। आयरन मैन के आर्मर में कई तरह के वेपन्स और मिनी मिसाइल शामिल है। आयरन मैन के मार्क 85 में कई तरह के शॉर्ट और लॉन्ग रेंज फाइट के लिए वेपन्स है, जहां मार्क 50 का यूज करके उसने थैनोस को अच्छी टक्कर दी थी। इस आर्मर में टोनी स्टार्क को सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना जैसी पावर्स मिल जाती है। अब इन आर्मर से आयरन मैन इकरिस को फाइट में कड़ी टक्कर तो दे सकता है, बट नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सूट से वह कई तरह के वेपन्स भी क्रिएट कर सकता है और इकरिस के किए गए अटैक्स को ब्लॉक भी कर सकता है। आयरन मैन का आर्मर अपने ओपोनेंट की फाइट मूव को कॉपी कर सकता है, जिससे कि क्लोज कॉम्बैट और हैंड टू हैंड फाइट में आयरन मैन इकरिस को अच्छी टक्कर दे पाएगा। लेकिन फिर भी आयरन मैन का आर्मर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसे कि डिसेबल या फिर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जैसा कि सिविल वॉर मूवी में कैप्टन अमेरिका ने टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करके उसके सूट को डिसेबल किया था, और इन्फिनिटी वॉर मूवी में थैनोस ने पावर स्टोन का यूज करके और अपने पावरफुल पंचेज से आयरन मैन के आर्मर को डिस्ट्रॉय किया था। और इकरिस की पावर्स कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी हुई है, जिससे कि उसे लिमिटलेस एनर्जी मिलती है। अब यह फाइट चाहे कितनी भी ज्यादा लंबी और बराबरी की हो, पर आखिर में इकरिस आयरन मैन के सूट को डिस्ट्रॉय करके उसे हरा सकता है। अगर टोनी स्टार्क को प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है, तो वो ऐसा आर्मर क्रिएट कर सकता है जिससे कि इकरिस को हराया जा सके। यह फाइट विदाउट प्रिपरेशन टाइम के साथ हो रही है, तो यहाँ पर इकरिस आयरन मैन को इजीली डिफीट कर सकता है। इसके बाद अगर बात करें हल्क और इकरिस के बीच के फाइट की, तो बेशक हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसने कई पावरफुल कैरेक्टर से फाइट की हुई है, और हल्क के पंचेज भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिन्हें कि हर कोई झेल नहीं सकता, और हल्क को इंजर्ड करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिससे इकरिस से किए गए अटैक्स का हल्क पर कुछ खास असर नहीं होगा, और हल्क अपनी स्ट्रेंथ से इकरिस के बराबरी के टक्कर दे सकता है। पर एमसीयू मूवीज में हल्क कॉमिक्स के जितना पावरफुल नहीं है, जैसा कि हमने मूवीज में देखा है, उस हिसाब से तो आयरन मैन ने हल्क बस्टर का यूज करके हल्क को शांत किया था और थैनोस ने हल्क को नॉकआउट भी कर लिया था। तो एक लंबी फाइट के बाद मे बी इकरिस हल्क को शांत कर सके और फाइट को जीत सके, जैसा एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन मैन ने किया था। तो यहाँ पर भी विनर इकरिस होगा। अब अवेंजर्स की टीम के आखिरी हीरो थॉर की बात करें, तो थॉर एक गॉड है और एस्कार्डियन फिजियोलॉजी के चलते उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर है। थॉर लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है और वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है। थॉर लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है। थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है, जिससे कि वह टेलीपोर्ट भी हो सकता है, हवा में उड़ सकता है और दूर से ही अपने ओपोनेंट पर लाइटनिंग अटैक कर सकता है। अब अगर थॉर और इकरिस की फाइट होती है, तो इकरिस के किए गए अटैक्स को थॉर इजीली सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि थॉर इससे पहले पावर स्टोन के टच, न्यूट्रॉन स्टार की डायरेक्ट हीट को और थैनोस के पावरफुल पंचेस को भी झेल चुका है। और स्टॉर्म ब्रेकर आने के बाद तो थॉर की पावर्स और भी ज्यादा इन्हांस हो गई है, और अब थॉर के पास ओडिन फोर्स भी है।
तो पावर्स के बेसिस पर अगर दोनों के बीच में फाइट होती है तो बराबरी की फाइट होगी, लेकिन यहाँ पर विनर होने के लिए एक्सपीरियंस जरूरी है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग थॉर के पास ज्यादा है, क्योंकि थॉर बचपन से ही कई वॉर में शामिल हो चुका है और कई पावरफुल और स्ट्रांग विलन से फाइट कर चुका है। तो वही इकरिस अर्थ पर लगभग 5000 साल पहले आया था, पर वहाँ पर डेवियंट से अलावा किसी और के साथ उसने फाइट नहीं की, जिस वजह से उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस थॉर के कंपैरिजन में कम है, और इसी एक्सपीरियंस का यूज करके थॉर इकरिस को एक फाइट में डिफीट कर सकता है और यहाँ पर विनर थॉर होगा। अब अगर बात करें पूरी अवेंजर्स टीम के साथ इकरिस के फाइट की, तो जब अकेले थॉर इकरिस को हरा सकता है एक फाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करके, तो पूरी टीम मिलकर और भी आसानी से इकरिस को डिफीट कर सकती है, जहां कैप्टन अमेरिका फाइट के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं और ब्लैक विडो और हॉकाई के साथ मिलकर इकरिस के अगेंस्ट फाइट में उनकी टीम को ग्राउंड लेवल पर रहकर हेल्प कर सकते हैं। हल्क अपने पावरफुल पंचेस से अटैक करता है इकरिस पर, और आयरन मैन अपने इंटेलिजेंस और आर्मर से इकरिस को कड़ी टक्कर दे पाएगा, और थॉर का अपनी टीम के साथ मिलकर इकरिस को हराना और भी इजी हो जाएगा, और इस फाइट में विनर अवेंजर्स की टीम होगी। अब अगर यह फाइट अवेंजर्स की टीम और इटर्नल्स की टीम के बीच में होती तो शायद अवेंजर्स का जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता था और इस फाइट के सीनेरियोज भी कुछ अलग हो सकते थे। तो अगर आप भी अवेंजर्स की टीम और इटर्नल्स की टीम के बीच का ये शोडाउन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही इस फाइट में अवेंजर्स की टीम में कौन कौन से हीरोज को इंक्लूड करना चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip, and I'm liable to spark it.